भारतीय शास्त्रीय संगीत के 10 थाट। इन 10 थाटों पर मैंने पहले कई बार बात की है। बिलावल, मारवा, पूर्वी, कल्याण, काफी, खमाजा, सावरी, भैरव, भैरवी, ये जो थाट हैं किताबों में वर्णित हैं कि थाटों को गाया नहीं जाता, थाटों को अलंकृत करके गाया नहीं जाता। ये है रिवाज, या ये है तरीका, ये है नियम। थाटों में अलंकार गाए जाते हैं। जब हम अलंकारों का रियाज करते हैं, पलटों का रियाज करते हैं, तो रागों में नहीं करते हैं, क्योंकि राग जो है उसमें स्वर के पैमाने अलग अलग होते हैं कि कौन सा स्वर किस स्वर के साथ लगेगा। ये राग का नियम होता है कि भाई जब तोड़ी का ऋषभ लगेगा तो गंधार का स्पर्श होगा, और जब गंधार लगेगा तोड़ी का तो ऋषभ के साथ लगेगा। सीधे सीधे नहीं लगते हैं ये स्वर। तो जब हम पलटे गा रहे हैं, जब हम अलंकार सीख रहे हैं प्रारंभिक रूप से, एकदम नया नया विद्यार्थी आया और शुरू किया है, तो उसे ये बारीकियां नहीं पता है कि कहाँ बहलावा है सुर में, कहाँ आंदोलन है, कहाँ उसकी श्रुति चढ़ी हुई या उतरी हुई है। तब वो क्या करता है, तब वो पलटे सीखता है। और पलटे किस में सीखता है, पलटे सीखता है थाट में। उमूमन होता यह है कि 10 थाट का रियाज कोई कराता नहीं, सिर्फ बिलावल में, यानी प्रथम जो हमारा थाट है, प्रथम कहना ठीक होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि सारे शुद्ध हैं और शुद्ध के ही बेसिस पर हम तय करते हैं कि बाकी जितने स्वर हैं वो कैसे होंगे, कि शुद्ध से ऊपर है तो तीव्र है, शुद्ध से नीचे है तो कोमल है। तो इसीलिए बिलावल में तो हम सब पलटे गाते हैं, लेकिन बाकी थाटों को हम छूते तक नहीं हैं। इसीलिए कई विद्यार्थी मुझे मिलते हैं जो आते हैं और MA लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अगर मैंने बोल दिया कि अच्छा मारवा में ये पलटे गाना, तो वो नहीं गा पाते। कहते हैं कि मारवा की तो हमने राग नहीं सीखी, क्योंकि मारवा थाट की कोई राग नहीं सीखी, इसीलिए हम मारवा में पलटे नहीं गा सकते। तब मुझे अचंभा होता है। अचंभा इसीलिए भी होता है क्योंकि भाई हमने तो प्रारंभिक रूप से थाटों का रियाज किया, थाटों में पलटे गाए, अलग अलग पिचेस का रियाज किया, इनफैक्ट 12 पिच सीखे, और तब जाके हम राग के स्तर तक पहुँचे थे। हमारा जो सिलेबस चला जो हमारे पिताजी ने हमें करवाया, हम SPW की, संगीत प्रभा वर्ल्ड की पूरी टीम के जो गुरु हैं पंडित अवध किशोर पांडे जी, उन्होंने करवाया, और मेरे दादा गुरु जी पंडित नरेंद्र कुमार ब्यावत जी, उन्होंने भी हमें थाट का रियाज समझाया कि इस तरह से होना चाहिए। तो ये परिपाटी हमने तो देखी, लेकिन मैंने ये देखा कि बहुत से लोग इस परिपाटी को फॉलो कर नहीं रहे हैं, 10 थाटों के बारे में जानते भी नहीं है। तो 10 थाटों के बारे में मैंने कई बार बात की है, कौन कौन से वो थाट होते हैं, उनका रियाज किस किस तरह से करना चाहिए। इनफैक्ट उन्हीं 10 का रियाज आरोह अवरोह में पलट पलट कर कैसे आप मेरे ख्याल से लगभग 190 कॉम्बिनेशन बना सकते हैं उनके, जो कि थाट रियाज के लिए हैं, वो मैं कई बार बता चुका हूँ कि जैसे बिलावल का आरोह तो भैरवी का अवरोह, बिलावल का आरोह तो कल्याण का अवरोह, इस तरह से करते करते फिर कल्याण का आरोह तो बिलावल का अवरोह। यानी एक थाट को आरोह में स्टैटिक रख के, फिक्स रख के, कि बिलावल फिक्स कर दिया, अवरोह में थाट बदल रहे हैं, बिलावल बिलावल, बिलावल भैरवी, बिलावल कल्याण, बिलावल मारवा, बिलावल पूर्वी, इस तरह से हम थाट बदल रहे हैं। और उसके बाद ये पलट दिया, अब बिलावल को अवरोह में फिक्स रख दिया, तो भैरवी बिलावल, कल्याण बिलावल, मारवा बिलावल, काफी बिलावल, इस तरह से आप हर थाट के साथ जाएंगे तो एक थाट के 19 कॉम्बिनेशन बनते हैं, क्योंकि एक तो कॉमन रहेगा जैसे बिलावल बिलावल, ये तो आरोह में भी सेम रहेगा, अवरोह में भी सेम रहेगा, तो ये एक ही गिना जाएगा, कायदे से 20 नहीं 19 बनेंगे, और 10 के 190 बन जाएंगे। तो ये एक थाट का रियाज बताया, ये भी मेरा दादा गुरुजी ने ही हमें सिखाया, पंडित नरेंद्र कुमार ब्यावत जी ने, कि इस तरह से थाटों का रियाज किया करो, तो जो रागों में समस्या पैदा होती है वो नहीं होगी। जब हम रागें करते हैं, पूरिया कल्याण, जिसमें कि जाना मारवा थाट है और आना कल्याण थाट है, ऋषभ कोमल रखते हुए ऑफकोर्स, तो इस तरह की रागें जब हम करते हैं, शुद्ध कल्याण सीखते हैं, सारे गपद ऐसा सानी धपम अगर ऐसा, इस तरह की मिश्र रागें जब हम सीखते हैं तो हमको समस्या नहीं आती है, क्योंकि थाट का हमने इस तरह से रियाज किया हुआ है। इसी तरह से थाट माला, ये एक मेरे पिताजी ने मुझे बोला कि ऐसा कुछ एक गीत रचो जो जिसमें 10 थाटों का वर्णन आ जाए, जैसे लक्षण गीत होता है जिसमें राग का वर्णन होता है, राग का परिचय होता है, उसी तरह से उन्होंने बोला कि थाट माला रचो जिसमें, जैसे राग माला होती है कि एक राग ली जाती है जिसमें स्थाई होता है, फिर अंतरा दूसरी राग में, फिर दूसरा अंतरा तीसरी राग में, ऐसे राग माला होती है, जैसे कुहू कुहू बोले कोयलिया, ये एक राग माला में आ सकता है। इसी तरह से उन्होंने कहा कि थाट माला रचो। थाट माला कैसे रचाई कि 10 लाइनें हैं उस गीत की जिसमें 10 थाटों का वर्णन है, कि भाई थाट बिलावल शुद्ध स्वरों का मेल है रंजक, और थाट भैरवी धनी रेगा कोमल,
है ना। इस तरह से एक गीत मैंने रचा जिसकी शब्द रचना और स्वर रचना भी मैंने की, जो थाटमाला के नाम से मैंने YouTube पर अपलोड किया, जिसे देखकर, जिसको सुनकर, जिसको तैयार करके दसों थाटों का परिचय याद हो जाता है और उनका चलन भी। इनफैक्ट अब थाट का तो चलन होता नहीं, लेकिन जो राग हैं मैंने कोशिश करी कि राग का चलन जो है वो उसमें आ जाए। कि बिलावल है तो म ग म रे की संगति लेना, और तोड़ी है तो सारे घर ऐसा की संगति लेना। इस तरह से मैंने कुछ कुछ संगतियाँ उसमें डाली जो उस आश्रित राग का जो एटलीस्ट परिचय दे दे। ठीक है, तो इस तरह से हमने थाटों को याद करने की एक आपको तरीका बताया। मूर्छना का रियाज दिया, जो भी थाटों के ही थाटों से ही संबंधित है, कि सा को सारे गम पध निसा माना तो बिलावल, अब बिलावल के ऋषभ से सारे गम पध निसा लिया तो थाट बदल जाएगा, यानी ऋषभ को सा मान के रे गम पध निसा रे गाना है, लेकिन अब उसकी जगह सारे गम पध निसा बोलना है। ये हमने कराया, ये भी आपको थाट का रियाज था। तो इसी तरह से थाट पर हमने कई बार बात की है। आज इसी तरह से थाटों को ही याद करने का एक और ट्रिक क्लास में ही बैठे बैठे बन पड़ी थी, तो मैंने सोचा आप सभी लोगों के साथ भी साझा की जाए, शेयर की जाए कि थाटों को याद करने का एक सरल तरीका क्या हो सकता है। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखिए और जानिए एक छोटी सी ट्रिक। मैंने नदिया किनारे देखे राम जी, मैंने गंगा किनारे देखे राम जी, मैंने गंगा किनारे देखे। जैसा कि मैंने बताया था कि बिलावल के आधार पर ही हम हर थाट को याद करते हैं, कि बिलावल क्योंकि शुद्ध है तो बगैर बिलावल में एक सुर कोमल कर दिया जाए तो कोई दूसरा थाट बन जाता है। तो इसी तरह से एक श्रृंखला मैंने बनाई, एक सीरीज़ मैंने बनाई, एक छोटी सी, जिसको मुझे लगा कि ये सीक्वेंस अगर आप रखें, वैसे तो थाटों का कोई भी सीक्वेंस हो सकता है और कोई सीक्वेंस है भी नहीं कायदे से, हर थाट अपना इंडिविजुअल रखता है, वजूद रखता है, तो इसका कोई एज सच सीक्वेंस नहीं है। लेकिन क्योंकि जब मैंने कहा था कि पेयर में थाटों का रियाज कीजिए, तब ज़रूर बताया था कि बिलावल कल्याण ये इनका पेयर बन सकता है, काफ़ी खमाज का पेयर बनता है, भैरवी और आसावरी का पेयर बना लीजिए, ऐसे पेयर बनवाए थे, पूर्वी और तोड़ी का पेयर बनवा लिया था। तो ये जो पेयर पेयर बन बन के, या भैरव भैरवी है ना, पेयर में रियाज करा, जोड़ी में रियाज किया तो अच्छे से समझ आता है। उसी तरह से उस जोड़ी वो बन कैसे रही है जोड़ी, उस पर आज मैं बात करने जा रहा हूँ। जैसे बिलावल है, सारे गम पद निसा शुद्ध स्वर है, बिलावल में निषाद कोमल कर दो, नी कोमल कर दो तो खमाज बनता है, खमाज में ग कोमल कर दो तो काफी बन जाता है, खमाज में ऑलरेडी नी कोमल है तो इसमें ग और कोमल कर दोगे तो क्या बनेगा, काफी। अब काफी जिसमें ग नी ऑलरेडी कोमल है उसमें ध कोमल करने पर आसावरी बनता है, तो बिलावल, बिलावल में नी कोमल तो खमाज, खमाज, खमाज में ग कोमल तो काफी, ग नी कोमल का थाट, ग नी कोमल वाले थाट काफी में ध कोमल कर दिया तो आसावरी, आसावरी ग ध नी कोमल वाले थाट में रे कोमल किया तो भैरवी, और भैरवी में ग और नी शुद्ध कर दो तो भैरव। ये एक सीक्वेंस बना। उसके बाद फिर से बिलावल पे गए, बिलावल में मध्यम तीव्र किया तो कल्याण, कल्याण जिसमें मैं ऑलरेडी तीव्र है, कल्याण में ऋषभ कोमल किया तो मारवा, मारवा जिसमें ऋषभ मध्यम विकृत हो गए ऑलरेडी, उसमें धैवत और विकृत कर दिया, कोमल कर दिया तो पूर्वी, और रे म ध जो पूर्वी में ऑलरेडी विकृत हैं उसी में ग और विकृत कर दो, कोमल कर दो तो तोड़ी। इस तरह से सीक्वेंस बनता है। हारमोनियम पर भी मैं बता देता हूँ, हारमोनियम पर जब हम रियाज करते हैं थाटों का, तो ये अगर ट्रिक आपने अपना ली तो आपको आसान पड़ता है। पहली काली से अगर मैं बताऊँ, ये पहली है तो सा रे ग म प ध नी सा, ये बिलावल चल रहा है, सा नी ध प म ग रे सा, इसी में मैं नी कोमल करूँगा, ये नी कोमल है, ये सा कोमल रे शुद्ध रे कोमल ग शुद्ध ग म तीव्र म प कोमल ध शुद्ध ध कोमल नी शुद्ध नी, तो सा रे ग म प ध नी सा, सा नी ध प म ग रे सा, नी कोमल करेंगे खमाज, सा रे ग म प ध नी सा, सा नी ध प म ग रे सा। फ़ायदा ये हुआ इसका कि आपको उंगलियां भी ज़्यादा बदलनी नहीं पड़ी, जो जो उंगलियां जा रही थी, नी पे शुद्ध, शुद्ध नी पे अंगूठा था तो कोमल नी पे भी अंगूठे से काम बन गया। अब इसी तरह से काफ़ी बन जाएगा, इसी में नी कोमल में ग और कोमल ऐड कर दो तो भी उंगलियां नहीं बदलनी पड़ेंगी, सा रे ग म प ध नी सा, सा नी ध प म ग रे सा, यही ग नी में ध और कोमल कर दो, सा रे ग म प, यहाँ थोड़ी उंगली बदलनी पड़ गई क्योंकि निचला सुर आया है और आगे हाथ को बढ़ाना है,
तो जो यहाँ उंगली लग रही थी अब यहाँ अंगूठा लगेगा, तो यह सावरी हो गया काफी में ध कोमल करने से। सा रे ग म प ध नी सा, सा नी ध प म ग रे सा। इसी ग ध नी कोमल में अब रे और कोमल कर दो, तो सा रे ग म प ध नी सा, सा नी ध प म ग रे सा। भैरवी आ गया, ग और नी को शुद्ध कर दो, तो भैरव सा रे ग म प ध नी सा, ये भैरव आ गया। ठीक है, अब बिलावल सा रे ग म प ध नी सा, सा नी ध प म ग रे। बिलावल में मध्यम तीव्र कर दो, तो कल्याण सा रे ग म प ध नी सा, सा नी ध प म ग रे सा। यही म तीव्र के साथ रे और कोमल कर दो, तो बन जाएगा मारवा सा रे ग म प ध नी सा, सा नी ध प म ग रे सा। इसी रे म के साथ ध और कोमल कर दो, तो पूर्वी सा रे ग म प ध नी सा, सा नी ध प म ग रे सा। यही रे म ध के साथ आप ग भी कोमल कर दो, तो तोड़ी सा रे ग म प ध नी सा, सा नी ध प म ग रे सा। इसी चीज़ को आप किसी भी पिच से करिए, अभी मैंने पहली काली से बताया, इसको किसी भी पिच से करिए, ये टेक्निक आपके काम आएगी। तो मेरे ख्याल से एक छोटा सा टॉपिक था और थाटों की इंपॉर्टेंस पे था। थाट का रियाज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसा कि मैंने बोला अलंकृत नहीं होना चाहिए, सपाट और सीधा सीधा सुर लगाया जाए तो थाट का रियाज है, क्योंकि कोई सुर किसी सुर के साथ लगे ये राग में होता है और हर राग में अलग होता है। तो ये आप थाटों का रियाज करते समय ख्याल रखें कि कोई सुर किसी सुर के साथ ना आए, सीधा सीधा आए। ठीक है, देखते रहें, इसी तरह से कुछ ना कुछ आपको मैं लाता रहूँगा, कुछ ना कुछ नया आपके लिए, और सिखाता रहूँगा कुछ कुछ जो कुछ मुझे आता है, जो अपने अनुभव अनुसार है। कोई गुरु नहीं हूँ, कोई बहुत बड़ा मास्टर, कोई बहुत बड़ा टीचर नहीं हूँ, एक हेल्पर हूँ, एक गाइड हूँ। जो कुछ सीखा है वो आप सभी लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। बहुत शुक्रिया।